हेलो फ्रेंड्स, हमने जो एसआर कांतवा बुक की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। और आज इस वीडियो में हम जो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसके हम जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, पैक्टीन इज़ अ मेजर्ड बाय, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो जेलीमीटर होता है उसके द्वारा पैक्टीन को हम मेजर्ड करते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है, पूसा मेघाली इज़ एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ, पूसा मेघाली किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है, तो ये कैरेट की वेराइटी है। देन हम बात करें, कम स्वेलिंग इज़ अ ड्यू टू, तो जो कम स्वेलिंग होती है वो किसके कारण होती है, तो वो है क्लिस्ट्रिडियम बॉटलिनम। देन हम बात करें परभनी क्रांति किसकी वेराइटी है, तो ये भिंडी की वेराइटी है, ओकरा की। देन हम बात करें, पुंजेनेसी इन चिली इज़ अ ड्यू टू द, तो जो चिली में पुंजेनेसी होती है वो किसके कारण होती है, वो होती है कैप्सिसिन के कारण। देन हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम इन द वर्ल्ड, तो कौन सी क्रॉप है जो मैक्सिमम वर्ल्ड में क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, तो वो है अपनी कौन सी, पोटैटो। प्रोडक्शन के क्षेत्र में आते हैं पोटैटो, ठीक है। देन हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स कंटेन द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, तो ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड सबसे ज़्यादा है इनमें से, ठीक है, तो इसका अपना हो जाएगा कौन सा, एनोला। देन हम बात करें, द स्टेम अबव द ग्राउंड इन बनाना इज नाउन एज, तो उसको बोलते हैं स्यूडो स्टेम। इस पर मैंने बनाना के ऊपर एक पर्टिकुलर पूरी वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें बताया है, जो अबव पार्शन होता है उसको हम बोलते हैं स्यूडो स्टेम। देन इसके बाद हम देखें, तो ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर इज़ अ ड्यू टू द डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ, तो जो जनरली अपन देखें तो कॉलीफ्लावर में जो ब्राउनिंग होती है वो किसके कारण होती है, बोरॉन की कमी द्वारा होती है। देन हम बात करें, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो जो रिप मैंगो फ्रूट होते हैं ना वो क्या होते हैं, जनरली देखो जो पीले फ्रूट्स होते हैं मतलब येलो कलर के जो फ्रूट होते हैं उनमें क्या होती है, विटामिन ए कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ए, जो पका हुआ मैंगो फ्रूट होता है उसमें विटामिन फ्रूट का रिचेस्ट सोर्स है। देन हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूज टू चेक स्प्राउटिंग ऑफ ऑनियन अंडर स्टोरेज, तो ऐसा कौन सा है जो ऑनियन को स्टोरेज के टाइम पे स्प्राउट होने से, अंकुरण से बचाता है, तो वो अपना कौन सा, मैलिक हाइड्राजाइड, बी ऑप्शन MH। देन हम बात करें, वर्षा उपहार इज अ वेराइटी ऑफ, जो वर्षा उपहार है वो किसकी वेराइटी है, तो वो है अपनी ओकरा की वेराइटी। देन हम बात करें, द प्लांट ग्रोथ हार्मोन विच हेल्प्स इन इनलार्जिंग द ग्रेप फ्रूट, तो ग्रेप फ्रूट के जो लंबा करने में कौन मदद करता है, तो वो अपना कौन सा, जिब्रेलिक एसिड, ये क्या करता है, सेल लॉन्गेशन में मदद करता है, जिसके कारण जो फ्रूट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लंबे आकार के हो जाते हैं। देन हम बात करें 14वें क्वेश्चन के बारे में, किन्नो इज अ बेसिकली, जो किन्नो है वो क्या है, मैंडरिन का टाइप है, ठीक है। देन हम बात करें, रेडनेस इन एप्पल इज अ ड्यू टू, जो एंथोसायनिन पिगमेंट होता है जो मेनली जल में विलयनशील होता है उसके कारण क्या होते हैं, जो एप्पल होते हैं उनमें रेडनेस देखने को मिलती है, ठीक है, लाल कलर। देन हम बात करें, बेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेबल प्रोपोगेशन एनोला, तो जो एनोला होता है उसकी कौन सी मेथड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बेस्ट है, तो वो है अपनी कौन सी, जो पैच बडिंग करते हैं अपन उसके द्वारा। देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी इज फाउंड इन, तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी किसमें पाई जाती है, ठीक है, पार्थेनोकार्पी फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। देन हम बात करें, इसमें अपना होगा कौन सा, बनाना में ये होती है। देन हम बात करें, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, तो सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर का सेंट्रल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो वो है अपना कौन सा, लखनऊ में। देन हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टोमेटो केचप, तो टोमेटो केचप बनाने में हम कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, तो वो है अपना कौन सा, सोडियम बेंजोएट का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। देन हम बात करें, ग्लेडोलियस इज प्रोपोगेटेड बाय विच मेथड, तो ग्लेडोलियस में जो प्रोपोगेटिव मेथड है, ठीक है, वो कौन सी है, हम जल्दी जो बल्ब्स होते हैं उनके द्वारा क्या करते हैं, ग्लेडोलियस में प्रोपोगेशन करते हैं। देन हम देखें, द ताज गार्डन ऑफ आगरा, मतलब जो ताजमहल है वो किसका एग्जांपल है, किस तरह की गार्डनिंग का है, तो वो है कौन सा, मुगलों ने बनाया था, तो वो किस तरह का होगा, मुगल गार्डन का एक टाइप है। देन हम बात करें, द लीडिंग इंडियन स्टेट इन फ्लोरिकल्चर ट्रेड इज, तो फ्लोरिकल्चर में कौन सा स्टेट लीड कर रहा है भारत में, तो वो है अपना कर्नाटका। देन हम बात करें, सीड कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इन द क्रॉप, तो जो पोटैटो की क्रॉप होती है उसमें 50% से ज़्यादा खर्च किस में आ जाता है, जो अपन सीड के जो पोटैटोज लेते हैं, पोटैटोस के जो सीड लेते हैं उसमें जनरली 50% तक ये खर्च हो जाता है। देन हम बात करें, इन इंडिया द प्रोडक्टिविटी ऑफ बनाना इज हाईएस्ट इन, तो जो बनाना की प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है, तो वो है अपनी कौन सी, तमिलनाडु में। देन हम इसके बाद करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, तो ऐसी कौन सी मेथड है जिसके द्वारा हम जो अपने फल हैं और सब्जियों को हम परमानेंट प्रिजर्व कर सकते हैं, तो वो है कौन सी अपनी, उसमें जितनी भी मॉइस्चर है उसको हम क्या कर दें, खत्म कर दें, तो एक्सकल्जन ऑफ मॉइस्चर। देन हम बात करें, द यूनिफॉर्म फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल कैन बी इंड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ, हमारे लिए पाइनएप्पल में यूनिफॉर्म फ्लावरिंग लेके आनी है तो वो किसके द्वारा अपन लेके आएंगे, तो उसके लिए हमें डालना पड़ेगा 25 PPM इथोफॉन प्लस 2% यूरिया, मतलब सी ऑप्शन इसका
देन हम बात करें रूपा किसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है, रूपा इज इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ, तो ये वॉलनट की इम्प्रूव्ड वैरायटी है रूपा। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैरायटीज ऑफ मैंगोज इज डेवलप्ड बाय द क्लोनल सिलेक्शन एंड बियर्स फ्रूट रेगुलरली, तो ऐसी आम की कौन सी वैरायटी है जिसमें क्या होते हैं फ्रूट्स रेगुलरली आते हैं, ठीक है, और जो क्लोनल सिलेक्शन द्वारा बनाई गई है, तो वो है अपनी कौन सी दशहरी 51। देन हम बात करें तो ये सबसे पहले इधर क्रॉप दिए और उसके साथ उसके क्या दिए हैं इंसेक्ट पेस्ट दिए हैं, इनको हमको मैच द कॉलम में करना है। तो कॉलीफ्लावर में कौन सा लगता है डायमंड ब्लैक माउथ, मतलब पहले का हो जाएगा बीज। देन हम बात करें चिली में क्या लगता है, चिली में थ्रिप्स लगता है। देन ओकरा की बात करें सूट एंड फूड बोरर लगता है ओकरा में। देन हम पटेटो की बात करें तो पटेटो में लगता है कटबॉर्म एग्रोटस एप्सिलॉन। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट आर द बॉटेनिकली कॉल्ड एज हेस्पेरिडियम, जो ऑरेंज होते हैं अपने, ठीक है, लाइम ऑरेंज, इनमें क्या होता है जो फ्रूट टाइप होता है वो कैसा होता है हेस्पेरिडियम टाइप का होता है। देन हम बात करें तो ऑलूअर इज अ पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी ऑफ विच फ्रूट, तो जो ऑलाउर है वो किसकी पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी है, तो वो है अपनी मैंगो की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम वेजिटेबल, तो ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जो इनमें से स्टेम वेजिटेबल का एग्जाम्पल है, तो वो है अपनी कौन सी क्नोल क्नोल। देन हम बात करें एडिबल बनाना फ्रूट इज अ सीडलेस बिकॉज द, जो एडिबल बनाना होता है उसमें सीड नहीं पाए जाते वो किसके कारण नहीं पाए जाते, तो इसका जो वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी जो इसमें पाई जाती है इसके कारण क्या होता है इसमें सीडलेस बनाना रहता है अपना, ठीक है। देन हम बात करें रत्ना वैरायटी ऑफ मैंगो इज अ क्रॉस बिटवीन, तो जो रत्ना वैरायटी है वो किस किस के बीच में क्रॉस है, तो जब हम नीलम का क्रॉस अल्फांजो के साथ करवाते हैं तो रत्ना वैरायटी मिलती है। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायोसियस प्लांट, तो इनमें से कौन सा एक डायोसियस प्लांट है, तो पॉइंटेड गार्ड क्या है डायोसियस अपना कुकरविट्स के अंतर्गत आता है, तो ये डायोसियस है। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैरायटी ऑफ मैंगो, तो इनमें से कौन सी एक मैंगो की वैरायटी नहीं है, आर का अरुणा, आर का अनमोल, आर का पुनीत और आर का हंस, तो इसका आंसर है अपना कौन सा जो आर का हंस है वो इसकी वैरायटी नहीं है मैंगो की। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स आर इंडिजीनियस टू इंडिया, तो ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिनकी उत्पत्ति स्थान भारत है, मतलब कि इंडिजीनियस है, ठीक है, तो अपनी मैंगो, मैंगो का ओरिजिन भारत है, बनाना का ओरिजिन इंडिया है। देन अपन बात करें एनोला का है, ठीक है, फालसा बेल और जैक फ्रूट, ये सभी का ओरिजिन प्लेस क्या है भारत है। देन हम बात करें वैक्स कोटिंग ट्रीटमेंट इन्हेंस द सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट बिकॉज इट ब्लॉक्स, जो वैक्स कोटिंग करते हैं अपन फ्रूट्स के ऊपर, ठीक है, तो उसके द्वारा जो फ्रूट्स में क्या होता है कि उनकी जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है, वो किस कारण से बढ़ती है, तो इसका जो कारण है वो क्या होता है, ये ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, तो उसको क्या कर देते हैं रोक देते हैं, ठीक है, ट्रांसपिरेशन को ब्लॉक कर देते हैं। देन हम बात करें येलो कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ, जो येलो कलर के जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होती हैं वो किसका अच्छा सोर्स होते हैं, अच्छा स्रोत होते हैं, तो वो होता है अपना कौन सा विटामिन ए, कारण क्या होगा जो बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो कि विटामिन ए के संश्लेषण के लिए जरूरी है, तो इनमें ज़्यादा पाया जाता है। देन हम बात करें पूसा जाइंट वैरायटी ऑफ पपाया है, तो जो पपाया की जो वैरायटी है पूसा जाइंट वो किस तरह की वैरायटी है, तो वो है अपनी कौन सी डायोसियस टाइप की वैरायटी। देन हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज नॉट सूटेबल फॉर जैम मेकिंग, तो ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसको हम जैम मेकिंग में यूज़ नहीं करते, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा लेमन, जनरली लेमन्स होते हैं उनको हम जैम बनाने में यूज़ नहीं करते। देन हम बात करें प्रूनिंग इन बेर इज डन, तो जो प्रूनिंग करते हैं बेर में वो कौन से महीने में करनी चाहिए अपने लिए, तो अपने लिए करनी चाहिए ड्यूरिंग स्प्रिंग में। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिच सोर्स ऑफ आयरन, तो इसमें से कौन सा रिच सोर्स है आयरन का। देन हम बात करें 43 का करौंदा, जो ड्राई करौंदा होता है उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा रिसोर्स होता है, रिचेस्ट सोर्स है इसका आयरन का। देन हम बात करें एडिबल बनाना इसे, तो एडिबल बनाना होते हैं ये क्या होते हैं ट्रिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, इनके जीनोम में इसी की तरह अपन इनको क्लासिफाइड करते हैं ट्रिप्लॉयड के आधार पर। देन हम बात करें पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटीज़ ऑफ मैंगो, तो मैंगो की कौन सी वैरायटीज़ हैं जो पॉली एम्ब्रियोनिक है, तो इनमें से जो सारी वैरायटीज़ हैं वो क्या है पॉली एम्ब्रियोनिक है, अपनी ऑल आउट चंद्राकरण देन और सालिम, ये तीनों क्या हैं पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटीज़ हैं मैंगो की। देन हम बात करें रिफ्रेक्टोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, तो जो रिफ्रेक्टोमीटर होता है उसका हम प्रयोग किस लिए करते हैं, तो उसको हम जनरली जो TSS टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं रिफ्रेक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। देन हम बात करें वेजिटेबल्स आर कैंड इन, तो वेजिटेबल्स को हम किसके द्वारा कैनिंग प्रोसेस वो करते हैं, तो इनको हम ब्राइन सोल्यूशन जो होता है, ठीक है, तो उसमें हम इसका क्या करते हैं कैनिंग करते हैं। देन हम बात करें फ्रूट्स आर ब्लेंच्ड बिफोर कैनिंग इट, तो फ्रूट्स को अपन कैनिंग के लिए पहले कितने पे अपन उनको ब्लेंच करते हैं, तो ये अपना होगा 80 डिग्री सेल्सियस में इनको ब्लेंच किया जाता है। देन हम बात करें CFTRI इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे है मैसूर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट काफ्री, ये कहाँ पे है मैसूर में। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर बियरिंग वैरायटी ऑफ मैंगो, तो इनमें से कौन सी जो वैरायटी है वो उसमें क्या होता है रेगुलर बियरिंग देखने को मिलती है, तो जो अपनी
आम्रपाली जो वैरायटी है वो क्या है, रेगुलर बेयरिंग वाली वैरायटी है। देन हम बात करें इन नॉर्थ इंडिया प्रूनिंग इन अ ग्रेप इज़ डन इन द मंथ ऑफ, तो जब उत्तरी भारत में कौन से महीने में जो अपने अंगूर होते हैं उनमें क्या करनी जाती है, प्रूनिंग की जाती है, तो वो है अपना कौन सा, जनवरी के टाइम पे जनरली हम अंगूर में प्रूनिंग करते हैं। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द गायनोडायोसियस कल्टीवर ऑफ पपाया, तो इनमें से कौन सी जो वैरायटी है वो क्या है, पपाया की गायनोडायोसियस कल्टीवर है, तो जो अपना कौन सा है, पूसा मैजेस्टी, ये क्या है, गायनोडायोसियस। देन हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लेट रिपनिंग कल्टीवर ऑफ बेर, तो इनमें से जो कौन सा लेट रिपनिंग मतलब देरी से पकने वाले बेर की वैराइटीज है, तो वो है उमरान। देन हम बात करें जनरली सीडलेस वाटर मिलन है, तो जो सीडलेस वाटर मिलन होते हैं उनको जनरली जापान में पहली बार बनाया गया था। ये क्या होते हैं, ट्रिप्लॉइड्स होते हैं, जब हम टेट्राप्लॉइड फीमेल का डिप्लॉइड मेल के साथ क्रॉस करवाते हैं तो ये जनरली ट्रिप्लॉइड वाटर मिलन बनते हैं, जिनमें कि क्या होता है, सीड नहीं होता, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बी आंसर। देन हम बात करें फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ टोमेटो फ्रूट बोरर द आइडियल ट्रैप क्रॉप ऑफ, जब हम जो टोमेटो फ्रूट बोरर लगते हैं उनको अगर अपने लिए रोकना है, ठीक है, तो हम कौन सी क्रॉप को एज ए ट्रॉप क्रॉप की तरह यूज़ करेंगे, तो वो है अपना मैरीगोल्ड लगा दो, ठीक है। देन बात करें द येलो कलर इन द ऑनियन इज़ अ ड्यू टू द, तो जो अपना येलो कलर आता है ऑनियन में वो किसके कारण आता है, तो एंथोसाइनिन नहीं होगा, ठीक है, इसके कारण जनरली बैगनी और लाल कलर के लिए होता है। देन हम बात करें क्वारा जेंथिन ये, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वी, ठीक है। देन अपन लाइकोपिन टमाटर के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, कैरोटीन वगैरह, ये गाजर वगैरह होता है। देन अपन बात करें कृष्णा एंड कंचन आर द वैराइटीज ऑफ, ये किसकी, लॉक्यूट की वैरायटी, हाँ ये अपनी एनोला की वैरायटी है, कृष्णा एंड कंचन। देन हम बात करें विच वन इज अ नॉट करेक्टली मैच, तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो जो अपना पोटैटो ट्यूबर सही है, गार्लिक में बल्ब, जिंजर में राइजोम, ये सही है, जो स्वीट पोटैटो का दिया है स्टोल नहीं है, गलत है, ठीक है। तो हम बात करें एडिबल पार्ट ऑफ पोमग्रेनेट, तो पोमग्रेनेट में क्या खाते हैं, जो जूसी एरल्स होता है उसको जनरली हम खाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देन हम बात करें विंड ब्रेक्स आर प्लांटेड इन ऑर्चर्ड्स टूवर्ड, तो जो विंड वर्ड जो अपने विंड ब्रेक्स अपन लगाते हैं, ठीक है, ऑर्चर्ड्स में, तो किस दिशा में अपन जनरली लगाते हैं, तो वो अपनी कौन सी होती है, नॉर्थ वेस्ट साइड में, मतलब कि उत्तर पश्चिमी दिशा में हम जनरली इनको लगाते हैं। देन हम बात करें ऑनियन वैरायटी सूटेबल फॉर खरीफ क्रॉप, तो जो खरीफ क्रॉप में होती है उसको हम कौन सी बोलते हैं, एग्री फाउंड डार्क रेड बोलते हैं खरीफ सीजन में, ठीक है, डार्क रेड वाली जो वैरायटी एग्री फाउंड की उसको होता है, ठीक है। देन हम बात करें एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर ऑफ कैंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज, तो जो एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर है कैंड फ्रूट्स के लिए और वेजिटेबल्स के लिए वो कितना है, तो वो अपना 80 से लेकर 82 डिग्री सेल्सियस। देन हम बात करें बॉटेनिकली पाइनएप्पल फ्रूट इज, तो पाइनएप्पल का जो फ्रूट है वो सोरेसिस टाइप का है, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछ लिया जाए। देन बात करें द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन हाउस कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल इज, तो जो हम ग्रीन हाउस कल्टीवेशन करते हैं वेजिटेबल्स का, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, टू गेट ऑफ सीजन यील्ड, मतलब कि जो ऑफ सीजन होते हैं उनमें भी हम यील्ड ले सकते हैं। देन हम बात करें रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, तो आयरन का रिचेस्ट सोर्स क्या है, तो इसका अपना रिचेस्ट सोर्स क्या है, स्पेंच। देन हम बात करें पपाया से रिसोर्स ऑफ, पपाया क्या है रिसोर्स, विटामिन ए का, जो येलो कलर के होते हैं उनमें जनरली विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है। देन हम बात करें एन आइडियल फ्रूट फॉर मेकिंग जेली शुड बी, तो जो अपना जेली मेकिंग के लिए आइडियल फ्रूट होता है उसकी क्या विशेषता होती है, उसमें सबसे पहले तो पेक्टिन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए उसमें एसिड कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। देन हम बात करें द रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर टू एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ बनाना, तो जो अपन बनाना होती है उसकी सेल्फ लाइफ के लिए हम उसको बढ़ाने के लिए उसको स्टोरेज कितने डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, हम उसको जनरली 12 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस पे स्टोरेज करते हैं, ठीक है। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट कंट्रोल्ड एटमोसफेयर स्टोरेज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, तो जब हम कंट्रोल्ड एटमोसफेयर स्टोरेज करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल का, तो उसके लिए संबंध में कौन सा जो पॉइंट है वो उचित है, ठीक है, तो वो है अपना कौन सा, जब हम हाई कंसंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करेंगे तो वो क्या होगा, उससे उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी, तो ऑप्शन ए ही सही होगा, मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन द नॉर्मल एटमॉस्फेयर। देन हम बात करें इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन, भारत में अगर हम हाईएस्ट प्रोडक्शन देखें तो वो किसका होता है, बनाना का। देन अगर हम हाईएस्ट एरिया देखें तो वो किसका है, मैंगो का। देन हम बात करें लेट कॉलीफ्लावर डज नॉट सेट सीड इन द प्लेन्स ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ, तो जो अपनी कॉलीफ्लावर्स होती हैं लेट कॉलीफ्लावर्स वो क्या होती हैं, जो प्लेन वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें सीड सेट नहीं देखने को मिलता, तो इसका क्या कारण है कि उनको जो शॉर्ट डे और जो लो टेम्परेचर है उनको नहीं मिल पाता, मतलब डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट डे एंड लो टेम्परेचर,
इनको नहीं मिल पाता, इसलिए ये क्या होती हैं, इनमें फ्रूट सेट नहीं हो पाती, लेट कॉलीफ्लावर। देन हम बात करें पूसा मुक्ता एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ कैबेज टू रेजिस्टेंट, जो पूसा मुक्ता वैरायटी है कैबेज की वो किसके लिए रेजिस्टेंट शो करती है, तो वो अपनी किसके लिए, जो ब्लैक रॉट है उसके लिए रेजिस्टेंस दर्शाती है। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या रीजन इज़ अ फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ऑर्चिड्स, तो ऑर्किड के कल्टिवेशन के लिए कौन सा क्षेत्र जनरली है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसमें हम क्या करते हैं, इसका कल्टिवेशन जनरली करते हैं। देन बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ अ नॉट करेक्टली मैच, तो इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है, तो सबसे पहले बात करें स्टोन ग्राफ्टिंग, तो ये जनरली मैंगो की जाती है। देन हम बात करें तो कटिंग स्ट्रॉबेरी, ये गलत है। देन हम बात करें टंग ग्राफ्टिंग, तो एप्पल में करते हैं, और रिंग वडिंग जिजुआ में, ये भी सही है, तो मतलब बी आंसर उसका हो जाएगा, तो जो इस टाइम जो कटिंग दी है स्ट्रॉबेरी में, ये गलत ऑप्शन है। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल यूज एज अ फिलर क्रॉप इन मैंगो ऑर्चर्ड, जो मैंगो का ऑर्चर्ड होता है उसमें हम कौन सी जो क्रॉप है उसको फिलर क्रॉप की तरह ले सकते हैं, तो हम जो पपाया का प्लांट होता है उसको जनरली हम फिलर की क्रॉप के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्लांट होता है वो जनरली से बहुत कम स्पेस भी कवर करता है, और इसमें क्या होता है कि इसमें जो क्रॉप है वो भी जल्दी आ जाती है, 6 से लेकर 12 मंथ के बीच हमको फ्रूट मिल जाते हैं जनरली, तो इसके लिए इसका जनरली हम यूज़ करते हैं। देन हम बात करें बडिंग इज द मोस्ट कॉमनली डन व्हेन देयर इज़ ए, तो जब हम बडिंग जनरली कब करते हैं, जब गुड शेप फ्लो हो प्लांट में, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, बडिंग की प्रोसेस करते हैं। देन हम बात करें इन हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग हाउ मच मोर परसेंटेज ऑफ ट्रीज कैन बी प्लांटेड एज कम्पेयर टू स्क्वायर मेथड, तो जब हम हेक्सागोनल सिस्टम में प्लांटिंग करते हैं तो उस पद्धति में स्क्वायर प्लांटिंग मेथड की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा प्लांट लगाए जाते हैं, तो वो अपना कहता है 15% हम ज़्यादा प्लांट लगाएंगे हेक्सागोनल सिस्टम में स्क्वायर की तुलना में। देन हम बात करें किन्नोमैंड्रिन वाल्स डेवलप्ड बाय, जो किन्नोमैंड्रिन है उसको किसने डेवलप्ड किया था, तो इसको डेवलप्ड किया था अपने फ्रॉस्ट ने, एच बी फ्रॉस्ट ने। देन हम बात करें एंटी स्टेरिलिटी विटामिन से, तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन विटामिन ई है। देन हम बात करें मैंगो सीड लूज देयर वायबिलिटी विद इन, तो जो मैंगो के सीड्स होते हैं वो कितने दिनों में अपनी वायबिलिटी को खो देते हैं, वो है 4 से 5 वीक के बाद ये जो मैंगो की सीड्स होते हैं वो वाइबल नहीं होते। देन हम बात करें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड इट, तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है हॉर्टिकल्चर का वो कहाँ पे है, वो है ब्राज़ील में। देन हम बात करें विच कंट्री रैंक्ड हाईएस्ट इन वेजिटेबल प्रोडक्शन, तो अभी इसमें जो बहुत पुरानी बुक है तो इसमें 2004-05 का दिया, उस टाइम पर इंडिया होती थी, लेकिन अभी क्या है वेजिटेबल प्रोडक्शन में भारत सेकंड नंबर पे है, तो उसका आंसर आप देख लेना, ठीक है, सेकंड नंबर पे भारत। देन हम बात करें हु इज़ द फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी, तो जो अपने डिकोंडले हैं वो क्या हैं, फादर हैं सिस्टमिक पोमोलॉजी के, जो मेंडल है वो क्या है, जेनेटिक्स के फादर हैं, और डार्विन ने कह दिया था नेचुरल सिलेक्शन दिया था। देन हम बात करें नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है वो उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसके बनाया गया था 1984 के टाइम पे। देन हम बात करें एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज कम इन एग्जिस्टेंस, जो एपिडा है वो कब से आई थी, ठीक है, तो वो आई थी अपनी कब से, 1985 के टाइम पे। देन हम बात करें विच फ्रूट इज़ नाउन एज अ मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना, जो कीवी फ्रूट होता है उसको हम बोलते हैं मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना बोलते हैं। देन हम बात करें ग्रेन्यूलेशन इज़ अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, तो जो ग्रेन्यूलेशन की प्रॉब्लम है जनरली कौन से जो अपने सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें देखने को मिलती है। देन हम बात करें पाइनएप्पल इज़ अ हाईली सूटेड फ्रूट, जो पाइनएप्पल का कल्टिवेशन जनरली कौन से क्षेत्रों में किया जाता है, तो जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन्स होते हैं उनमें हम जनरली पाइनएप्पल का क्या करते हैं, कल्टिवेशन करते हैं। देन हम इसके बाद बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट बिलोंग टू द फैमिली एनाकार्डेसी, एनाकार्डेसी जो फैमिली है उसमें कौन से, एक तो देखो मैंगो एनाकार्डेसी माता है, देन इसके बाद अपन बात करें तो जो अपना चेस्टनट है वो भी एनाकार्डेसी फैमिली माता है। देन हम बात करें इस स्किफिंग इज अ प्रैक्टिस इन विच प्लांटेशन क्रॉप, तो स्किफिंग की जो प्रोसेस है वो कौन सी क्रॉप में की जाती है, तो वो है अपनी कौन सी, टी, जो एक प्लांटेशन क्रॉप उसमें की जाती है। मैंने इससे पहले टी के ऊपर 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, आप उनको भी देख लें अगर आपसे टी के जो क्वेश्चन हैं उनमें दिक्कत आती है तो। देन हम बात करें डी लीफ इज़ अ बेस्ट इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिएंट स्टेटस, तो जो डी लीफ है उसका कौन सी क्रॉप है उसमें हम न्यूट्रिएंट के इंडिकेटर के तौर पे देखते हैं, तो ये अपना पाइनएप्पल क्रॉप जनरली इसको यूज़ करते हैं डी लीफ का। देन हम बात करें मोस्ट हैवीली प्रूनड फ्रूट प्लांट है, तो कौन सा ऐसा फ्रूट प्लांट है जिसको हम बहुत हैवीली प्रूनिंग करते हैं, तो वो अपनी कौन सी है, बेर में अपन जनरली करते हैं। देन हम बात करें फ्रूट विच स्टार्ट्स बियरिंग इन 1 ईयर ऑफ प्लांटिंग, तो ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें 1 साल में ही अपनी क्या होती है बियरिंग चालू हो जाती है, तो वो अपना कौन सा, स्ट्रॉबेरी।
देन हम बात करें फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी क्लासिफाइड। तो जो हम रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग जो फ्रूट्स को हमने क्लासिफाइड किया वो दो तरह से किया, एक तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं और दूसरे क्या होते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं। देन हम बात करें डिसीज फ्री प्लांट इन माइक्रो प्रोपोगेशन कैन बी ऑप्टेन थ्रू। तो जो डिसीज फ्री प्लांट है माइक्रो प्रोपोगेशन में हम उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है मेरिस्टेम कल्चर, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनकी ग्रोथ इससे ज़्यादा होती है कि वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उनको इन्फेक्ट नहीं कर पाता, तो उसके लिए हम जनरली यूज़ करते हैं। देन हम बात करें फ्रूट थिनिंग हक ग्रोथ रेगुलेटर है, तो कौन सा जो अपना ग्रोथ रेगुलेटर है उसको हम फ्रूट थिनिंग में यूज़ करते हैं, तो वो अपना कौन सा है, नैप्थेलिक एसिडिक एसिड ना, ठीक है 96 का ये। तो जो अपनी आयरन डिफिशियंसी इन अ प्लांट इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय तो जो आयरन डिफिशियंसी है वो जनरली कैसे अपने लिए पता चलती है, तो उसका नाम येलोइंग ऑफ न्यू लीव्स या इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ ओल्ड लीव्स, तो उसका शायद सी होना चाहिए जहाँ तक इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ ओल्ड लीव्स, बट इसमें आंसर दिया है बी येलोइंग ऑफ न्यू लीव्स, तो इसको आप देख लें एक बार अच्छे से। बेस्ट रूट स्टॉक फॉर सिट्रस इन साउथ इंडिया इज, तो जो साउथ इंडिया में सिट्रस का कौन सा रूट स्टॉक जनरली यूज़ करते हैं, तो वो अपना कौन सा है, रंगपुर लाइम को जनरली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देन हम बात करें लीफ स्क्रॉचिंग इन मैंगो इज ड्यू टू, तो मैंगो में क्या होती है लीफ स्क्रॉचिंग की प्रॉब्लम, किसके कारण आती है, जब हम क्लोराइड की जो टॉक्सिसिटी होती है मतलब क्लोराइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ गया तो उस पर क्या होगी लीफ स्क्रॉचिंग होती है। देन हम बात करें प्रोटेंड्री इज अ प्रॉब्लम इन, तो जो प्रोटेंड्री है जनरली किस में देखी जाती है, तो वो अपनी कौन सी वालनट की जो क्रॉप है उसमें अपनी प्रोटेंड्री जनरली देखी जाती है। देन हम बात करें पाइनएप्पल बिलोंग टू द फैमिली, पाइनएप्पल कौन सी फैमिली के अंतर्गत आता है, तो जो अपनी कौन सी होती है ब्रोमेलिएसी फैमिली है उसके अंतर्गत जनरली पाइनएप्पल आता है। देन हम बात करें मोस्ट एसिडिक सिट्रस फ्रूट बिलोंग टू, तो सबसे एसिडिक सिट्रस फ्रूट किससे बिलोंग करता है, तो जो सिट्रस मैगा लेग्जिकोपरा है उसके द्वारा जनरली ये कौन सा अपना सबसे एसिडिक सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस मैगा लेग्जिकोपरा। देन हम बात करें विच केमिकल एक्ट एज एन एड फॉर द मैकेनिकल हार्वेस्टिंग, तो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग करने में कौन सा हार्मोन जनरली हेल्प करता है, तो अपना एब्सेसिक एसिड ABA। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, तो वो अपना देखो फर्स्ट देखते हैं अपन मेलनेस इन अ फ्रूट कैन बी इंड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, देखो अगर मेलनेस अगर अपने को नर बनाने तो अपन जिब्रेलिक एसिड का एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। फीमेलनेस इन द फ्रूट कैन बी इंड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ मेलिक हाइड्रोजाइड डालोगे तो आप फीमेल जो अपने प्लांट है वो देखने को मिलेंगे। देन हम बात करें रूट फॉर्मेशन इन कटिंग कैन बी इंक्रीज बाय द एप्लीकेशन ऑफ IVA, तो जब हम जनरली कैलस कटसल करते हैं तो इस टाइम पर रूट को अगर हमको बनानी है तो हम इसको IVA का एप्लीकेशन ज़्यादा करते हैं। देन अपन बात करें कैल्शियम कार्बाइड केमिकल इज नॉट यूज फॉर द आर्टिफिशियल रिपनिंग इन बनाना, तो जो ये ऑप्शन गलत है 104 का, जनरली हम जो कैल्शियम कार्बाइड उसका यूज़ करते हैं बनाना को पकाने में। तो हम बात करें विच फ्रूट फॉलोज अ डबल सिग्मोइड कर्व, तो ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें डबल सिग्मोइड कर्व देखने को मिलता है वो अपना फेक। देन हम बात करें ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, तो जो M9 है वो क्या है ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक है एप्पल का। देन हम बात करें ए ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ पियर, पियर का ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक कौन सा है, तो उसका डी आंसर हो जाएगा क्वांस सी। देन हम बात करें फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक फ्रूट प्लांट प्रोड्यूस इन विच फ्रूट, तो सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक फ्रूट क्रॉप कौन सी थी, तो वो थी अपनी कौन सी पियर थी। देन हम बात करें बॉटेनिकल लॉक्यूट फ्रूट है, जो लॉक्यूट फ्रूट है वो किस तरह का फ्रूट है, तो वो है अपना कौन सा पोम टाइप का फ्रूट है। देन हम बात करें ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ये बोरोन की डिफिशियंसी जनरली देखने को मिलता है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, बट इसमें एक्सेस ऑफ बोरोन दिया, डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोराइड टॉक्सिसिटी, तो इसमें अपना कौन सा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ये होता है, जो ईंट के भट्टे वगैरह होते हैं उनमें से ये गैसेस निकलती हैं, तो इनके कारण भी ये देखने को मिलता है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। देन हम बात करें मोस्ट सक्सेसफुल फ्रूट क्रॉप टू वाटर लॉगिंग, तो वाटर लॉगिंग के लिए मोस्ट ससेप्टिबल फ्रूट क्रॉप टू वाटर लॉगिंग, जब हम पपीते का कल्टीवेशन कर रहे होते हैं सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि उस जगह पे क्या होता है पानी का एकत्रित नहीं होना चाहिए, ठीक है, पानी संचित नहीं होना चाहिए उस प्लेस पे,
तो वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम जिस जगह पर उस जगह पर पपाया कल्टिवेशन जनरली रिकमेंडेड नहीं किया जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होता है, ठीक है, वाटर लॉगिंग के प्रति। देन बात करें विच फ्रूट इज़ अ मोस्ट सूटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मारमेलाड, तो जो मारमेलाड होता है उसके प्रिपरेशन में जनरली हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वो है अपना कौन सा, ऑरेंज। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीगेट फ्रूट, तो एग्रीगेट फ्रूट का उदाहरण कौन सा है इनमें से, जो स्ट्रॉबेरी है वो क्या है, एग्रीगेट फ्रूट है, ठीक है। देन हम बात करें बिगेस्ट कल्टिवेटेड फ्रूट इन द वर्ल्ड, तो जो जैक फ्रूट है वो क्या है, वर्ल्ड का बिगेस्ट कल्टिवेटेड फ्रूट है। देन हम बात करें द मोस्ट कोल्ड हार्डी सिट्रस रूट स्टॉक, तो जो ऐसा कौन सा सिट्रस का जो रूट स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा ठंड को सहन कर सकता है, ठीक है, तो वो अपना कौन सा, ट्राईफोलिएट ऑरेंज है। देन हम बात करें बीवी पैरा सीड्स आर रिपोर्टेड इन, कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसमें बीवी पैरा सीड्स जनरली देखने को मिलते हैं, तो ये अपना कौन सा होगा, जैक फ्रूट में जनरली देखने को मिलते हैं। देन अपन बात करें रेड कलर ऑफ जेलीज ड्यू टू द एडिशन चेयरिंग ऑफ शुगर, जो रेड कलर अपन देखने को मिलता है इसमें किसके कारण, चेयरिंग ऑफ शुगर के कारण देखने को मिलता है, किसमें, जेली के टाइम पर। देन हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज ऑफ बनाना इन इंडिया, तो भारत में बनाना जो बंची टॉप होता है, ठीक है, बनाना बंची टॉप वायरस के द्वारा, तो वो क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीज हो जाता है बनाना का भारत में। देन हम बात करें संता सेंटा रोज इज़ अ पॉपुलर वैरायटी ऑफ, तो जो सेंटा रोज है किसकी पॉपुलर वैरायटी है, वो अपनी कौन सी, प्लम की। और हम बात करें स्वीटेस्ट शुगर इन फ्रूट, फ्रूट में कौन सी शुगर पाई जाती है, फ्रक्टोज पाई जाती है। देन हम बात करें द इंसेप्शन ऑफ रिपनिंग इन अ ग्रेप इज अ टर्म्ड एज, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, वेरासियान बोलते हैं। अगर हम बात करें ड्वार्फ म्यूटेंट कल्टीवर ऑफ पपाया, पपीते की कौन सी ऐसी वैरायटी है जो क्या है म्यूटेंट है, तो वो है अपनी कौन सी, पूसा नन्ना, जो पूसा नन्ना वैरायटी है पपीते की क्या है, ड्वार्फ कल्टीवर है, ड्वार्फ म्यूटेंट कल्टीवर है। देन अपन बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एथाइलिन एब्जॉर्बेंट, जो एथाइलिन हार्मोन होता है उसका एब्जॉर्बेंट की तरह कौन काम करता है, तो वो अपना कौन सा, KMnO4। देन हम बात करें फ्रूट विच सो आइदर ए राइज इन अ रेस्पिरेशन रेट और एन एसोसिएटेड प्रोडक्शन ऑफ एथाइलिन ड्यूरिंग द रिपनिंग प्रोसेस आर कॉल्ड एज, तो इनको क्या बोलते हैं हम, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स बोलते हैं। देन हम बात करें पूसा ईयरली ड्वार्फ इज एन इम्प्रूवड वैरायटी ऑफ, तो जो पूसा ईयरली ड्वार्फ है वो किसकी इम्प्रूवड वैरायटी है, तो वो है अपनी किसकी, स्ट्रॉबेरी की। देन हम बात करें आलमंड इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच सेंटर ऑफ ओरिजिन, तो जो आलमंड का उत्पत्ति स्थल है वो कौन सा है, तो उसका उत्पत्ति स्थल है एशिया माइनर में आलमंड का ओरिजिन हुआ है। देन हम बात करें मनी करा हेक्सेंड्रा जिसे हम खिरनी बोलते हैं इज अ यूज एज अ रूट स्टॉक ऑफ, तो खिरनी का हम किसकी तरह रूट स्टॉक में यूज़ करते हैं, तो वो अपना कौन सा, सपोटा का जब हम कल्टिवेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, चीकू का, तो उस टाइम पर ये खिरनी का हम प्रयोग करते हैं मनी करा हेक्सेंड्रा का, ठीक है, रूट स्टॉक के तौर पर। देन हम बात करें प्लांट्स विच बिकम डोरमेंट ड्यूरिंग समर आर नाउन एज, तो जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, जो प्लांट समर के टाइम पे क्या हो जाते हैं, डॉर्मेंट हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कैडकस। देन हम बात करें विच फ्रूट क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट क्रोमोसोम, तो ऐसे कौन सी फ्रूट क्रॉप है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाईएस्ट होते हैं, तो ये अपनी कौन सी है, मलबरी, मलबरी में होते हैं 308, 2n = 308। फ्रूट ऑफ बेल इज बॉटेनिकली, जो फ्रूट होता है अपना बेल का वो कैसा होता है बॉटेनिकली, हार्ड सेल्ड बेरी होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है, तो देखो फालसा क्या है, टिलियसी फैमिली सही है, लीची सेपेंडियसी। देन अपन बात करें एप्पल रोजेसी मलबरी एपोसाइनेसी, तो मलबरी गलत दिया इसमें, ठीक है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। देन हम बात करें कैरोंडा कैरिका करेंडस इज अ बिलोंग टू द फैमिली, जो अपना करौंदा होता है कौन सी फैमिली के अंतर्गत आता है, तो वो कौन सा है, एपोसाइनेसी जो फैमिली उसके अंतर्गत आता है। देन हम बात करें लसोदा कॉर्डिया मिक्सा इज अ माइनर फ्रूट ऑफ इंडिया बिलोंग टू द फैमिली, जो लसोदा है वो कौन सी ग्रुप के कौन सी फैमिली के अंतर्गत आता है, तो वो है अपना कौन सी, बोरा जिनेसी फैमिली के अंतर्गत ये आता है। देन हम बात करें हैंड पॉलिनेशन इज मोस्ट यूजफुल इन द विच फ्रूट, तो अपन जनरली जो खजूर होती है उसमें हैंड पॉलिनेशन का यूज़ करते हैं डेट पाम में। देन हम बात करें चेस्टनट हैज ओरिजिनेटेड फॉर्म, जो चेस्टनट का ओरिजिन प्लेस कौन सा है, तो इसको ओरिजिन प्लेस है कैप्सियन सी एरिया, जो कैप्सियन सी एरिया है इसका जो चेस्टनट का जो ओरिजिन प्लेस है वो ब्राज़ील है। देन हम बात करें मोस्ट कॉमन ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ एप्पल इन इंडिया, तो भारत में जो एप्पल की जो ट्रेनिंग है वो कौन सा है, तो वो है मॉडिफाइड लीडरशिप सिस्टम है, उसमें हम जनरली एप्पल की क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। देन हम बात करें मोस्ट आइडियल मेथड फॉर टॉप वर्किंग इन मैंगो, तो जो मैंगो में अपन क्या कर रहे हैं, टॉप वर्किंग कर रहे हैं, तो उसकी आइडियल मेथड कौन सी है, तो वो है अपनी कौन सी, साइड ग्राफ्टिंग। देन हम बात करें ड्वार्फिंग रूट स्टॉक
इन मैंगो इज़ है, तो मैंगो में ऐसा कौन सा रूट स्टॉक है जो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है, तो ये है अपना कौन सा तोतापरी रेड स्मॉल, जो नाम से पता चल रहा है अपने लिए तोतापरी जो रेड स्मॉल है वो क्या है, मैंगो का ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है। देन हम बात करें बेस्ट टाइम फॉर द प्रिपरेशन प्रोपोगेशन ऑफ एप्पल, तो कौन से समय जिसमें एप्पल में जनरली हम प्रोपोगेशन करते हैं, तो वो है अपना कौन सा दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में। देन हम बात करें बॉटेनिकली बेर फ्रूट है, जो बेर का जो फ्रूट है वो बॉटेनिकली कैसा है, तो वो है अपना कौन सा ड्रूप टाइप का, उसमें अंदर गुठली निकलती है, तो कौन सा ड्रूप टाइप का। देन हम बात करें बॉटेनिकली द फ्रूट ऑफ लीची, लीची का जो फ्रूट है वो कैसा है, नट ड्रूप बेरी या फिर पॉम, तो वो है अपना कौन सा नट टाइप का। देन हम बात करें लीची की उत्पत्ति स्थल कौन सा, लीची इज़ अ नेटिव टू, तो लीची का जो ओरिजिन प्लेस है वो कौन सा है, साउथ चाइना। देन हम बात करें गुआवा बिलोंग टू फैमिली, गुआवा कौन सी फैमिली में आता है, तो ये अपना कौन सी माल्टेसी फैमिली में अंतर्गत आता है। द येलो पिगमेंट इन पपाया फ्रूट, तो जो पपीते में जो येलो कलर का पिगमेंट होता है उसका नाम क्या है, कैरिका जैंथिन, डी आंसर। देन हम बात करें पपाया इज़ ए कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय, तो हम पपीते का कमर्शियली कल्टिवेशन किसके द्वारा करते हैं, तो वो है प्रोपोगेशन किसके द्वारा करते हैं, तो वो है अपना कौन सा सीड्स का जनरली यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन हम बात करें ओरिजिन प्लेस ऑफ पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल का ओरिजिन प्लेस क्या है, तो इसका है ब्राज़ील। देन हम बात करें इन्फ्लोरोसेंस ऑफ बनाना, जो बनाना का जो इन्फ्लोरोसेंस होता है उसको हम बोलते हैं स्पैडिक्स। देन हम बात करें स्पॉन्जी टिश्यूज इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ मैंगो कल्टीवर, कौन सा ऐसा कल्टीवर है या वैरायटी है जिसमें स्पॉन्जी टिश्यू जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वो अपनी कौन सी है, अल्फांजो है, ठीक है, जिसमें कि स्पॉन्जी टिश्यूज की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बेस्ट टाइम ऑफ बडिंग इन बेर, बेर में किस समय पर बडिंग करनी चाहिए अपने लिए, तो वह अपना जुलाई से लेकर अगस्त के टाइम पर अगर आप बेर में अगर बडिंग कर रहे हो तो वो सबसे सही मानी जाएगी। इन बडिंग एंड ग्राफ्टिंग द यूनियन बिटवीन स्टॉक एंड शियॉन टेक प्लेस थ्रू, तो जो ग्राफ्टिंग और बडिंग कर रहे होते हैं उसके टाइम पे यूनियन किसके जरिए होता है, तो वो अपने जो कैम्बियन टिश्यूज होते हैं उनके जनरली होते हैं। तो हम बात करें लीची इज़ अ कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय, तो लीची में अपन क्या करते हैं, एयर लेयरिंग जनरली अपन लीची में करते हैं, ठीक है। तो हम बात करें टाइप ऑफ पार्थिनोकार्पी इन सिंधु वेराइटी ऑफ मैंगो, तो जो सिंधु वेराइटी है मैंगो की उसमें किस तरह की पार्थिनोकार्पी देखने को मिलती है, तो उसमें देखने को मिलती है स्टीनोस्पर्मोकार्पी, तो उसका आंसर हो जाएगा ए। देन हम बात करें सीडलेस मैंगो सिंधु हैज़ अ वीन डेवलप्ड बाय द बैक क्रॉस बिटवीन, किसके बीच में सिंधु जो वैरायटी है मैंगो की उसको बैक क्रॉस करके बनाया गया, ठीक है, तो वो अपनी कौन सी रत्ना को अपन ने अल्फांजो के साथ बैक क्रॉस करा, तो उसके जरिए अपने को सिंधु वैरायटी प्राप्त हुई। देन हम बात करें पोलन स्टेरिलिटी इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन, तो जो बेर होता है उसमें बहुत ज़्यादा पोलन स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देन हम बात करें ओनली एलो पॉलीप्लॉइड वैरायटी रिपोर्टेड इन मैंगो, ठीक है, तो कौन सी एलो पॉलीप्लॉइडी वैरायटी है इसमें मैंगो की, तो वो है अपनी कौन सी वेल्लई कोलंबन, तो जो वेल्लई कोलंबन है वो कौन सी एलो पॉलीप्लॉइडी वैरायटी है मैंगो की। देन हम बात करें हाई प्रोडक्शन इन अ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इज अ ड्यू टू, क्या होता है प्रोटेक्टेड जब हम कल्टीवेशन कर रहे होते हैं तो उसमें हाई प्रोडक्शन किस कारण से होता है, तो उसका कारण क्या है, हाई फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो उसके कारण क्या होगा, उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। फ्रूट क्रॉप सूटेबल फॉर हाई सॉइल पीएच, तो ऐसा कौन सी क्रॉप है जिसमें हम हाई सॉइल पीएच में भी उसका हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, तो उसका हम जो एनोला होता है उसको जनरली हाई पीएच में भी हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो हम बात करें इन सीटू मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग इन मैंगो, तो मैंगो की ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं इन सीटू ग्राफ्टिंग करते हैं, तो वो कौन सी अपनी एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। फिर हम बात करें मेटाजीनिया इज अ कॉमनली ऑब्जर्व इन विच फ्रूट क्रॉप, तो मेटाजीनिया कौन सी क्रॉप में ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये डेड पाम में जनरली ऑब्जर्व किया जाता है, जब पोलन ग्रेन का जो उसके टिश्यूज होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट होता है, सो इसको बोलते हैं मेटाजीनिया। देन हम बात करें सुपर ड्वार्फिंग रूट स्टॉक ऑफ पीपल, तो जो सुपर ड्वार्फिंग रूट स्टॉक में एप्पल का है वो कौन सा है, तो ये है M27, ये पिछली बार BHU में भी पूछा गया था कि कौन सा सुपर ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है एप्पल का, तो M27 है। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट कंटेन मोर फैट देन द रेस्ट, तो इन सभी में से ऐसा कौन सा फ्रूट है जो बाकी की तुलना में ज़्यादा फैट कंटेंट मतलब बसा का उसमें मात्रा होती है, तो वो अपना कौन सा है एवोकाडो। देन हम बात करें मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग इज अ प्रैक्टिस इन, मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग में क्या होता है कि आपको डिफरेंट हाइट के जो प्लांट्स होते हैं उनको लगाया जाता है, ठीक है, तो वो कौन सा है अपना, क्योंकि वो सनलाइट उसमें प्रॉपर सभी को मिल सके, ठीक है, तो वो अपना जनरली कर्नाटक और केरला वाले जो क्षेत्र उनमें ये किया जाता है। देन हम बात करें फ्रूट स्टोर्ड इन अ कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ, बिकॉज जब हम कोल्ड चैम्बर में फ्रूट को स्टोर करते हैं तो उनकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो ज़्यादा किस कारण से होती है, इसके पीछे जो कारण है वो क्या होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इनमें क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है।
देन हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट प्लांट्स बियर फ्रूट ट्वाइस इन ईयर, ऐसे कौन से फ्रूट प्लांट्स हैं निम्न में से जो कि एक साल में दो बार फ्रूट देते हैं। तो हम सबसे पहले बात करें ग्रेप, ग्रेप में भी दो बार आता है फ्रूट, जैक फ्रूट में दो बार, और जो पोमग्रेनेट होता है उसमें भी दो बार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, मतलब ये सही है। देन हम बात करें सोडियम बेंजोएट इज एडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस इन द कंसनट्रेशन ऑफ, तो जो सोडियम बेंजोएट का फ्रूट प्रिजर्वेशन में हम जनरली यूज़ करते हैं फ्रूट जूस के लिए, तो उसमें कितना कंसनट्रेशन में हम इसको अप्लाई करते हैं, तो 0.06 से लेकर 0.1% तक हम इसको अप्लाई करते हैं। देन हम इसको देखें 166 वो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो इनमें से कौन से जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है, डेट पाम ये दिया है, मोनोसियस यही गलत है, डेट पाम क्या है डायोसियस है खजूर, ठीक है ये गलत है। देन पपाया क्या है पॉलीगेमस है, वॉलनट क्या है मोनोसियस है, और जो पिस्टाचियो नट है ये डायोसियस है, तो जो नीचे के तीन है वो सही है, डेट पाम वाला गलत दिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट सूटेबल फॉर ग्रोइंग अंडर एरिड जोन ऑफ इंडिया, तो ऐसा कौन सा जो उनमें से फ्रूट है जिसको एरिड जोन से हम जनरली मतलब उस क्षेत्र में कल्टिवेशन कर सकते हैं जहाँ पे पानी की बरसात कम होती है, तो जो बेर वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है इनको हम एरिड जोन के लिए सूटेबल होते हैं। देन हम बात करें केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, तो जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट का जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा है, K2S2O7 है, ठीक है। देन हम बात करें ग्रेनुलेशन कैन बी रेगुलेटेड रिड्यूस्ड बाय स्प्रिंग ऑफ, तो हम ग्रेनुलेशन को किसके द्वारा रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम लेड आर्सेनेट को अप्लाई कर दो, ग्रेनुलेशन की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ग्रेनुलेशन की प्रॉब्लम जनरली किसमें देखी जाती है, तो वो है सिट्रस प्लांट्स, ठीक है। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ फैट, तो इनमें से कौन सा ऐसा रिच सोर्स है फैट का, ठीक है, बस आके बहुत ज़्यादा मात्रा जिसमें पाई जाती है, तो वो कौन सा अपना वॉलनट में जनरली बसा की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। देन हम बात करें कि कौन सा रिच सोर्स है प्रोटीन का, तो वो है कौन सा अपना चेस्टनट, ठीक है बी आंसर हो जाएगा। देन हम बात करें सीडलेसनेस इन अ लेमन सिट्रस लिमोन इज ड्यू टू द, जो सिट्रस होते हैं अपने, ठीक है, तो उनमें क्या होती है जो सीड नहीं बन रहा वो किसके कारण नहीं बनते, सीडलेसनेस जनरली किसके कारण, तो वो होती है सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, जिसमें क्या होते हैं पोलन तो बनते हैं बट वो क्या होते हैं फर्टिलाइजेशन में कामयाब नहीं हो पाते, तो उसको बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, तो सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी के कारण होता है। देन हम बात करें विच पोर्शन ऑफ द प्लांट इज कंसिडर्ड फ्री फ्रॉम वायरस, तो इनमें से कौन सा जो प्लांट पार्ट है उसको हम करेंगे कंसिडर करेंगे कि वो उसमें वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड नहीं है, तो वो अपने कौन से होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जो सी आंसर। देन हम बात करें द चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ द बेल इज, तो जो बेल में कौन सा ऐसी मेडिसिनल वैल्यू के लिए जो इंग्रेडिएंट उपस्थित होता है वो कौन सा अपना मार्मेलोसिन, ठीक है जो सी आंसर है। देन हम बात करें इंडिकेटर प्लांट ऑफ सिट्रस क्रस्टेजा वायरस, जो सिट्रस जनरली जो ट्रस्टेजा वायरस आता है उसके लिए कौन सा इंडिकेटर प्लांट यूज़ किया जाता है, तो हम जब सिट्रस का जो ट्रस्टेजा वायरस है उसके लिए कागजी लाइम का जनरली यूज़ करते हैं जिसका नाम है सिट्रस ऑरेंटी फोलिया, ठीक है ये इसका आंसर हो जाएगा बी। देन हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज ए सिंगल सीडेड नट, तो इनमें से कौन सा जो फ्रूट है वो कैसा है सिंगल सीडेड नट का एग्जांपल है, तो ये अपना कौन सा हो जाएगा जो लीची है वो क्या है सिंगल सीडेड नट है। देन हम बात करें क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल किसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी, तो ये सपोटा की इम्प्रूव्ड वैरायटी है। देन हम बात करें लिटिल लीफ ऑफ मैंगो इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, तो मैंगो की क्रॉप होती है उसमें लिटिल लीफ जनरली किसके कारण देखने को मिलता है, तो वह जिंक की डिफिशियंसी लिटिल लीफ होता है। देन हम बात करें बसराई ड्वार्फ एंड अमृत सागर आर द वैरायटीज ऑफ, जो बसराई ड्वार्फ हैं और अमृत सागर ये किसकी वैरायटीज हैं, तो ये अपनी कौन सी बनाना की वैरायटीज हैं दोनों। इसके बाद हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिट्रस टाइप इज अ मोनो एम्ब्रियोनिक, तो इनमें से कौन सा ऐसा सिट्रस टाइप है जो कि कौन सा मोनो एम्ब्रियोनिक है, तो ये अपना कौन सा पमीलो। देन हम बात करें टैमरिंड फ्रूट बॉटनिकली इज अ टाइप ऑफ फ्रूट, तो टैमरिंड का जो फ्रूट होता है वो कैसा होता है लोमेंटम टाइप का फ्रूट होता है जिनमें पॉड्स वगैरह होती हैं, ठीक है। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्थिनोकार्पिक ग्रेप वैरायटी, तो इसमें कौन सी ग्रेप की पार्थिनोकार्पिक वैरायटीज है, तो जो अपनी ब्लैक कोरिएंथ वैरायटी है वो कैसी है पार्थिनोकार्पिक ग्रेप की वैरायटी है। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो कोकोआ में कितना 37% फेट सही है, चेस्टनट में 47% फेट ये भी सही है। देन अपन बात करें कोकोनट इसमें गलत दिया, ठीक है 20% इसमें नहीं होता। देन हम बात करें एवोकाडो में इसमें 26%, तो ये भी सही है। देन हम बात करें विच फ्रूट इज अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबो फ्लेविन, तो राइबो फ्लेविन का कौन सा रिचेस्ट सोर्स है, तो उसका अपना रिचेस्ट सोर्स है बेल। देन हम बात करें बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड्स एटलीस्ट
300 ग्राम ऑफ वेजिटेबल, मतलब जो बैलेंस डाइट रहती है उसमें अपने को एक दिन में 300 ग्राम वेजिटेबल्स जरूर लेनी चाहिए। देन हम बात करें विच विटामिन इज अ कॉल्ड एज अ कोगुलेटिंग विटामिन, कौन सा विटामिन है जिसको हम कोगुलेटिंग विटामिन कहते हैं, मतलब कुछ रक्त का इस धक्का जमाने में इसके अंदर में महत्वपूर्ण होती है, तो विटामिन के। देन हम बात करें एडिबल पोर्शन ऑफ कैबेज, तो कैबेज में एडिबल पोर्शन क्या होता है, तो ये होता है अपना कौन सा हेड। देन हम बात करें फ्लावर इन अ कैबेज लीव्स इज ड्यू टू द ग्लाइकोसाइड, तो कौन सा जो फ्लेवर होता है कैबेज में जिसका, ठीक है, तो वो कौन सा अपना सिनर्जिन। ठीक है, कुकरबिटेसिन जो जनरली कुकरबिट्स फैमिली के जो सदस्य होते हैं उनमें देखने को मिलता है, ओलेरोसिन, ठीक है, जो अपनी चिली होती है उसमें। देन यूरिक एसिड मस्टर्ड में देखने को मिलता है, तो अपना सिनर्जिन किस में देखने को मिलता है, जो कैबेज होती है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है उसमें फ्लावर आता है। देन हम बात करें गोल्डन एक प्राइड ऑफ इंडिया एंड एक्सप्रेस, जो प्राइड ऑफ इंडिया है एक्सप्रेस है, ये किसकी वैराइटीज़ हैं, तो ये है अपनी किसकी कैबेज की वैराइटीज़ हैं। देन हम बात करें ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ कैबेज, कैबेज का ऑप्टिमम सीड रेट कितना है, 400 ग्राम इसका ऑप्टिमम सीड रेट है कैबेज का। देन हम बात करें कॉलीफ्लावर का सीड रेट कितना है, तो उसका भी 300 से लेकर 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। देन हम बात करें बटनिंग एज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, जो अपनी कॉलीफ्लावर होती है उसमें जो बटनिंग की समस्या देखने को मिलती है। देन हम बात करें कुनवारी जाइंट स्नोबॉल एंड पूसा सिंथेटिक आर द वैराइटीज ऑफ, तो जो जाइंट स्नोबॉल है, कुनवारी है और जो पूसा सिंथेटिक्स, ये किसकी वैराइटीज़ हैं, तो ये अपनी किसकी कॉलीफ्लावर की वैराइटीज़। देन हम बात करें रिचीनेस फजीनेस होलो स्टेम लीफीनेस एंड पिंकिंग आर द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, तो ये सभी के किसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, कॉलीफ्लावर के, होलो स्टेम कॉलीफ्लावर होता है, लीफीनेस होता है, देन पिंकिंग होता है, देन इसके बाद रिचीनेस और ये फजीनेस, ये सभी कॉलीफ्लावर से संबंधित है। देन हम बात करें एडिबल पोर्शन ऑफ ब्रुसेल्स स्प्राउट इज, तो जो ब्रुसेल्स स्प्राउट होते हैं उसका एडिबल पोर्शन क्या है, तो उसका एडिबल पोर्शन है स्मॉल हेड और जो बड्स होती हैं उसको जनरली हम एडिबल पोर्शन के तौर पर देखते हैं ब्रुसेल्स स्प्राउट्स में। देन हम बात करें पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा क्रांति एंड आर्का शील आर द इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ, देखो पूसा पर्पल लॉन्ग किसकी ब्रिंजल की वैरायटी है बैगन की। देन हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटीज आर रेजिस्टेंट टू लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, तो जो कौन सी वैरायटी है जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के प्रति रेजिस्टेंस शो करती है, तो ये अपनी कौन सी है पूसा पर्पल राउंड। देन हम बात करें द रेड कलर इन द चिली फ्रूट इज द रिपनिंग स्टेज इज ड्यू टू द, तो जो परिपक्व जो चिली में लाल कलर किसके कारण आता है, तो ये किसके कारण आता है कैप्सेंथिन के कारण आता है, मतलब बी ऑप्शन। देन हम बात करें फॉर गेटिंग ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन ऑफ चिली हाउ मच सीड विल बी रिक्वायर्ड, जब हम चिली की बात करते हैं तो ऑप्टिमम अगर प्लांट पॉपुलेशन चाहिए हमारे लिए तो कितना सीड हमको लगेगा, तो हमको 1.5 किलो से लेकर 2 किलोग्राम का सीड रिक्वायर्ड होता है। देन हम बात करें लीफ कर्ल वायरस ऑफ चिली एज अ ट्रांसमिटेड वायरस, तो जो लीफ कर्ल वायरस है वो किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, तो वो अपने वाइट फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है। तो ये हमने जो हॉर्टिकल्चर थे उसके 200 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, ठीक है, 42 मिनट्स में, ठीक है, आप और भी इसी साथ जुड़े रहें, जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच।